मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई है। प्रदेश सरकार में वन मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत चुनाव हारे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने 7,000 से ज्यादा वोटों से जीत यहां पर दर्ज की है। आखिर क्या वजह है कि सत्ता में होते हुए भी बीजेपी इस सीट को हार गई? विजयपुर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। आजादी के बाद से अब तक बीजेपी यहां पर केवल एक बार ही जीत दर्ज कर सकी है। कांग्रेस से रामनिवास रावत ही 6 बार के विधायक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का वोट बैंक यहां पर पक्का रहा है। 2023 में कांग्रेस इस सीट पर 18,000 वोटों से जीती थी। देखिए, हमारे ये पिछले और अभी की जो सरकार है, उस सरकार ने जो निर्णय किए, काम किए, ये भी याद रखना पड़ेगा कि पिछली बार हम 18,000 से भाजपा वहाँ हारी थी, अभी 7,000 से है। तो हम समीक्षा भी करेंगे, लेकिन ये बात भी सही कि वो कांग्रेस की सीट थी। आज़ादी के बाद से केवल एक ही बार हमारी भाजपा वहाँ जीती है। हम आने वाले समय में जीतने के संकल्प से आगे बढ़ेंगे, और जिस प्रकार का पूरे देश में माहौल बना है भाजपामय प्रदेश, और हमारे यहाँ तो लगातार गतिविधि बढ़ते हुए, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम पिछले इसी विधानसभा से लोकसभा भी आ रहे थे, इस बार हम और आगे बढ़े। चंबल की तासीर ही अलग है। यहाँ के लोग दल बदल को पसंद नहीं करते हैं। कांग्रेस से रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए और मंत्री भी बने, इसके बावजूद वो चुनाव हार गए। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, तब उनके कई समर्थक भी विधानसभा चुनाव हार गए थे। इस बार भी यही हुआ। लोगों में आक्रोश था और रामनिवास रावत को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये जीत है उस कार्यकर्ता की जिसने बहुत यातनाएं सही, बहुत संघर्ष करा, जेल गया। रोज पुलिस और प्रशासन बीजेपी का जब कार्यकर्ता बना था, तो मेरा कांग्रेस का बब्बर शेर विजयपुर में सब परिवार के लोग एक साथ एकजुट मिलकर लड़ते रहे। मैं मानता हूँ ये प्रदेश और देश के सभी कांग्रेसजनों को एक संदेश है कि जब कार्यकर्ता लड़ता है तो परिवार का विचार, कांग्रेस का विचार लड़ता है तो कैसी भी परिस्थिति में जीत होती है। जहाँ 40 साल का एक व्यक्ति का कुशासन और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, दोनों को हार मिली, इसका मतलब है कि कार्यकर्ताओं ने अपनी जान लगा दी। मैं सैल्यूट करता हूं और पूरा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को और मेरे विजयपुर में काम करने वाले एक एक कार्यकर्ता को देता हूं। विजयपुर सीट पर कांग्रेस की जीत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के लिए संजीवनी साबित हुई है। जीतू पटवारी ने यहां पर जमकर मेहनत की थी। मतदान वाले दिन भी काफी विवाद हुआ था। प्रशासन ने जीतू पटवारी को श्योरपुर जिले में प्रवेश करने से मना कर दिया था। तब जीतू बॉर्डर पर ही बैठ गए थे और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे, जिसका नतीजा अब चुनाव नतीजों में देखा गया है।